A very pleasant good morning to all. This is my team integrator, in which members are me, Vaishnavi Mishra, Beauty Yadav and Seetal Maurya. So today we are here for presentation and our topic is algebra. So firstly we are going with explaining the algebra. So I would like to call Beauty Yadav for explaining. Good morning to you all. My name is Beauty Yadav and my topic is algebra. Algebra एक mathematical का part है जिसमें number, letter और symbol को use करके number को represent किया जाता है. दूसरा हमारा algebraic expression. Any mathematical expression जिसका दो number होता है, पहला variable, दूसरा operation. तीसरा हमारा term. किसी भी एक्सप्रेशन ऑपरेशन को सेपरेट करता है उसे हम लोग टर्म कहते हैं. चौथा हमारा फैक्टर, कोई भी नंबर टर्म फैक्टर के फॉर्म में है तो उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं. पांचवा हमारा कॉन्फिशियंट, वेरिएबल के पहले जो नंबर आता है उसे हम लोग कॉन्फिशियंट कहते हैं. छठवा हमारा वेरिएबल, एनी नंबर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर कॉल वेरिएबल. सातवा हमारा ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑपरेशन. लास्ट हमारा कॉन्स्टेंट, किसी भी नंबर में वेरिएबल ना हो उसे हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सीतल मौर्या फ्रॉम क्लास एट. टुडे आई एम हियर टू गिव माई प्रेजेंटेशन एंड माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज मोनोमियल. फर्स्टली व्हाट इज अ मोनोमियल? मोनोमियल मीन्स कोई भी, जैसे वी हैव 4x, देन जिस भी एग्जाम्पल में सिर्फ सिंगल टर्म्स हो, जिसमें वन कॉन्स्टेंट वन वेरिएबल हो, जिसमें सिंगल टर्म्स हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं. बायनोमियल मीन्स कि जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे 4x प्लस 3x, ये बायनोमियल है. ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होते हो, उन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं. जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे 4x प्लस 3x प्लस 5x, इसमें ये ट्राइनोमियल्स. पॉलीनोमियल जिसमें थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उन्हें हम पॉलीनोमियल, जैसे 3x प्लस 4x 5x एक्सेट्रा. थैंक यू. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग लाइक टर्म्स. इन दिस लेट सपोज वी हैव 4x प्लस 3x. नाउ इन दिस हम कोफिशियंट को कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हमारे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम होने चाहिए. और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, इनके वेरिएबल कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. और जब भी हम वेरिएबल सेम वेरिएबल होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मल्टीप्लाइंग अनलाइक टर्म्स. इसमें यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो सेम नहीं रहेंगे. और यहाँ पे जो अगर इसमें वेरिएबल्स कोई भी वेरिएबल सेम है तो इनके पावर्स ऐड कर देंगे और जो बचा रहेगा उनको एज इट इज़ एज लिख देंगे. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मल्टीप्लाइंग ऑफ पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल मीन्स होता है कि जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, मीन्स कि सपोज वी हैव x मल्टीप्लाई बाई 5xy. नाउ ये पॉलीनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, और पॉलीनोमियल्स बायनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है और मोनोनोमियल भी हो सकता है. इसमें ये सेम टू सेम रहेगा, 3 4 3 4 3 12 12 5 60 और यहाँ पे वेरिएबल्स जो सेम रहेंगे उनके पावर सेट. यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है,
यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब। अब यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, तो दोनों को पावर्स ऐड करके y स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू। A very pleasant good morning to all. This is Vaishnavi Mishra and here I am for presentation and my topic is identities. तो सबसे पहले हम लोग identities के बारे में जान लेते हैं। Identities होता क्या है? तो देखिए, identities क्या है? एक equality है। तो equality के लिए सबसे पहले हमें equation की बात करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम लोग एक expression लिख दे रहे हैं, for example कि 7xy हमने लिखा है, ठीक। अगर 7xy के बाद हम लोग equals to लगा देते हैं और इसके बाद भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? इक्वेशन। और जब ये वैल्यू आपस में इक्वल्स होंगे तो वो इक्वालिटी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 5+2 लिखा है और 2+5 लिखा है, दोनों का आंसर सेम आएगा 7, 7, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वालिटी। तो क्या है यहाँ पे कि हमारा आइडेंटिटीज क्या होता है? एक इक्वालिटी होता है। अगर हम लोग इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डालते हैं और वो वैल्यू क्या होता है? ट्रू हो जाता है, उससे हमारा आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं। क्या हुआ? पॉज करना है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी है a+b² तो अब देखिए इसका मीन्स क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? a+b और a+b लिख सकते हैं। अब देखिए अब जैसे कि हमने बाइनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हुए देखा है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? a जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर जो हमारा b होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है। देखिए a का भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, और जब ये आपस में इंटू हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 1+1 कितना हो जाएगा? 2। तो a का पावर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, अब a से b का इंटू होगा तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारा? a+b ab आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे ab लिख दे रहे हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे b a है और यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो ba हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? b², ठीक। तो अब देखिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ा लाइक टर्म्स का, तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अगर कोई भी वेरिएबल लिखा है, मानिए a लिखा है, तो उसके आगे जब कोई भी वैल्यू नहीं लिखा होता तो इसके मतलब वहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसके भी आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा a2+2ab और +b2 आ जाएगा, ठीक। ये आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। अब से यही सेम चीज़ माइनस पे होता है। माइनस अगर हम लोग दे देते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दो बार माइनस का यूज़ करते हैं, और फिर जब हम बाद में सारे प्रोसेस को कर देते, सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आता है a2-2ab+b2। तो अब देखिए हम लोग अपने थर्ड आइडेंटिटीज पे जाते हैं। तो हमारा थर्ड आइडेंटिटीज क्या है? x+a और x+b। अब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का चीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x को x+b से इंटू कर देंगे, और जो हमारा a है इसको इससे इंटू कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या प्लस रहेगा? तो a से कर देंगे इंटू। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका पावर वन प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x2। अब x का x b से इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा xb। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो जब a से x का इंटू हो जाएगा तो हमारा प्लस ax हो जाएगा,
और यहाँ पे जब हम लोग ए से बी का इंटू करेंगे तो हमारा प्लस ए भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ हमें दिख रही है जो कि है ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम लोग कॉमन करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए एक्स टू तो वैसे ही लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम लोग एक्स को कॉमन रख सकते हैं और बी प्लस ए को इस तरीके से प्लस में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस ए बी सीधे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुका है। तो हर आइडेंटिटीज ऐसे ही प्रूफ किए जाते हैं, बस सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस इसको करने का तरीका क्या होता है अलग होता है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से चलते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल है 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7, ठीक। तो अगर हम लोग इस आइडेंटिटीज को देखते हैं तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी से क्या सिमिलर हो रहा है, कैसे। वहाँ पे x था तो x की वैल्यू भी दी गई है और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x की वैल्यू दी गई है। अब उसके बाद a प्लस बी था और ये a की वैल्यू और ये क्या b की वैल्यू। तो अब हम लोग उस आइडेंटिटी से प्रूफ करते हैं। तो उसका क्या था, x क्यूब प्लस ए बी एक्स और प्लस ए बी था, ठीक। ये हमारा आइडेंटिटीज था उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 2x को स्क्वायर में निकाल देंगे। अब उसके बाद हमारा a प्लस बी हो रहा था, ब्रैकेट में प्लस का साइन लगाए रहेंगे। a क्या है, ये है और b है ये, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा। और उसके बाद क्या था, x, और x की वैल्यू है ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 2x। अब उसके बाद देखते हैं तो 5 का 7 से इंटू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। और फिर 5 प्लस 7 होता है हमारा 12, और यहाँ पे 2x इंटू और 12 टू का कितना हो जाएगा 24, तो फिर क्या हो जाएगा 24x हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर इस आइडेंटिटीज को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो 75 का कितना होता है 35 होता है, तो ये प्लस 35 हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्पेशल मोमेंट्स। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू चैनल।